सबीना। जी आंटी। क्या बात है बेटा, तुम्हारे और मोहित में कोई झगड़ा हुआ है? नहीं आंटी, मेरा मोहित से कोई झगड़ा नहीं हुआ। मोहित कल लंच में रात को अकेला बैठा हुआ था, बहुत सैड लग रहा था। वो मेरी वजह से परेशान नहीं, आप ही की वजह से डिस्टर्ब। अब अबीरा ने क्या कहा है मोहित से? कल रात आप ही का फोन आया, मोहित के सामने रो रही थी और कह रही थी कि हारून भाई से उनकी बनती नहीं है, और मैंने सारी बातें खुद सुनी है और मोहित उन्हीं की वजह से परेशान। या अल्लाह, मैं तो इस लड़की से तंग आ गई। आखिर ये चाहती क्या है? पहले हारून की वजह से इसने मोहित को छोड़ दिया, अब जब हारून से तंग कर रहा है तो मोहित की हमदर्दियां समेटने के लिए उसके पीछे पड़ गई है। मोहित और आप ही कभी दूरी कब थे? बजाहिर वो एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फीलिंग्स तो है ना फिर भी। नहीं सबीना, अबीरा और मोहित के जज्बात एक जैसे हो ही नहीं सकते और ना कभी होंगे। मोहित का दिल सोने का है, वो खरा है, और अबीरा वो दगा है, फरेब। मैं बात करती हूँ आज सुबह ही से, अपनी बेटी को समझाए, दूर रखे मेरे बेटे से। ठीक है, माफी तलाफी हो गई, सब कुछ हो गया, अब मैं दोबारा मोहित के जज्बात से अबीरा को खेलने नहीं दूंगी। मैंने कल रात मम्मी को सब कुछ बता दिया कि अबीरा आप ही को मोहित से दूर रखे, वो खुद बहुत परेशान, कह रही थी कि आप ही के घर जाएंगी कल और बात करेंगे उनसे।